आज हम देखेंगे एसा एक्सप्रेशन 3 के 3 में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं। एसा एक्सप्रेशन 3 और 2 और 1 जो भी एसा एक्सप्रेशन सीरीज है सब में सॉफ्टवेयर अपडेट का फीचर्स जो भी फार्मूला है वो सिर्फ सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्जन जो अलग अलग आता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन है आपको मिल जाएगा हारमन साइट पर। हारमन साइट से जाएंगे साउंडक्राफ्ट में, तो साउंडक्राफ्ट में आपको मिल जाएगा कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसमें तो देखते हैं कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। तो स्टार्ट, ये देख रहे हैं पावर लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब सेट में पावर दिया है सिर्फ ऑन नहीं किया। तो पावर स्विच को है इसको होल्ड करके रखना है जब तक डिस्प्ले में लाइट ना आ जाए। तो होल्ड करने के बाद देखिए प्रेस मेन्यू टू कंटिन्यू लिखा आ रहा है, तो इधर हम प्रेस कर देंगे मेनू में। मेनू जो है मेनू को प्रेस करेंगे, मेनू के बाद आ गया ये लिखा आ गया। और ये है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर हम डाल के रखे थे पहले से, तो इसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद जो है आ जाएगा आपका एसा एक्सप्रेशन बिल्ड वर्जन। ये है फोल्डर में है, तो इसको फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया, ये आ गया इन्फॉर्मेशन जो है ये। उसके बाद हम लोड को प्रेस कर देंगे, तो देखिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट हो गया। ये अभी 1% हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके होगा कंप्लीट। तो हम इसको बीच में पॉज कर देते हैं, क्योंकि पॉज नहीं करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो है चेक फाइल 100% हो चुका है। उसके बाद प्रोग्राम फ्लैश जो है वो 99% चल रहा है। उसके बाद 100% कंप्लीट हो जाने के बाद इस इधर लोड दिखाएगा, दोनों 100% कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोनों टिक आ गए हैं यहाँ पर, तो इसके बाद ऑफ करके सेट को पावर ऑफ करके फिर से ऑन करना होगा, तो यहाँ पर जो बिल्ड वर्जन वो नया आ जाएगा। बिल्ड वर्जन 1.8 बिल्ड 12 ये जो है नया लेटेस्ट अपडेट वर्जन है।